सोमवार को महिला दिवस पर हम उन महिला स्वास्थ्य कर्मियों को भी सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने कोरोना के इस बेहद बुरे वक्त में देश की सेवा की। घर परिवार भूलकर खुद कोरोना ग्रस्त होने के बाद भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, कठिन स्थितियों का जमकर सामना किया। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर रागी जैन ने भी कोरोना के समय फ्रंट फुट पर रहकर काम किया। 2 साल से ज्यादा समय से वो इस अस्पताल में एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। कोरोना के समय में डॉक्टर जैन की ड्यूटी आईसीयू डिपार्टमेंट में थी, जिसके चलते उन्हें कई दिन तक हॉस्पिटल या हॉस्पिटल द्वारा दिए गए होटल सुविधा में रहना पड़ता था। डॉक्टर रागी जैन के पति भी डॉक्टर हैं, उनके 3 बच्चे हैं और इस दौरान उन्हें अपने बच्चों और परिवार से कई दिनों तक दूर रहना पड़ता था। एवरीथिंग वॉज सो डिफिकल्ट वाइल वर्किंग इन आईसीयू सेटअप। हम लोग आईसीयू में ही काम करते थे बिकॉज वी आर एनेस्थेटिस्ट, तो आईसीयू में तो एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। उस टाइम इनिशियली तो ट्रीटमेंट भी बेसिक ही था, वो फैमिली वाला मैटर तो एकदम से बैक सीट पर चला गया था। हाँ, वो डेफिनेटली फैमिली तो अपनी तरफ से खुद ही सफ़र किया है, बच्चों ने भी सफ़र किया ही है, क्योंकि मैं उनसे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, अपना डिस्टेंस मेंटेन करती थी क्योंकि मैं सीवियरिटी देख रही थी, मुझे पता था डिजीज़ कितनी सीवियर हो सकती है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मीडिया स्पोक्स पर्सन और कोविड के दौरान शवगृह की इंचार्ज डॉक्टर छवि गुप्ता कोरोना के शुरुआती दौर को अपने करियर का सबसे चुनौती भरा दौर मानती हैं। कोविड के टाइम में बहुत मुश्किलें आईं। मैं पब्लिक को फेस करती हूँ इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर हूँ और साथ के साथ मीडिया स्पोक्स पर्सन और मॉर्चुरी हैंडल कर रही हूँ। रात को जब घर जाना और बच्चों के साथ उनको फेस करना, फैमिली को फेस करना, बिकॉज माय इन-लॉज वो भी बहुत बुज़ुर्ग हैं, बच्चे भी मेरे बहुत छोटे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उस बहुत मुश्किल रहती थी। बस जाते ही एक अलग कमरे में अपने आप को बंद कर देना, महीनों महीनों मैंने ऐसे ही निकाला है। कोरोना की बीमारी में सबसे ज्यादा असर मरीजों के फेफड़े पर ही पड़ता है, ऐसे में दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट पर भी कोरोना का भारी दबाव पड़ा, लेकिन डॉक्टर प्रीतपाल कौर ने उफ तक नहीं की। जैसे एक वॉर लगती है, वहाँ पे एक सिपाही की जरूरत होती है, तो राइट नाउ हम सिपाही थे और कोरोना हमारे लिए एक बहुत बड़ी वॉर थी। चाहे ये मुश्किल का दौर था, बट हमारी ड्यूटी थी कि हम अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन लोगों की परवाह करें जिनको हमारी ज़रूरत थी। जिस तरीके से कि देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे एक आर्मी वाला इंसान अपना घर, बाल बच्चे और फैमिली छोड़ के चला जाता है, वो हमें भी करना पड़ा और हमने किया भी। और इस बात का मुझे गर्व है कि हमेशा मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसमें बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स भी थे, बहुत सारे फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ भी थे। डॉक्टर प्रीतपाल कौर के तहत काम करने वाली महिला डॉक्टर और नर्स ने भी कोरोना काल में कम हिम्मत और काबिलियत नहीं दिखाई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ और हॉस्पिटल का पूरा काम मुझे देखना था। कोरोना के पीरियड में हमारे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे लिए मैन पावर रखना उस समय में बहुत सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जॉब हमारे सामने में आया, दैट वाज मेनली रिलेटेड विथ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, क्योंकि उस समय सारी पब्लिक जितने लोग थे सब काफ़ी डरे हुए थे। नवंबर और दिसंबर में हमारे पास जब काफ़ी सारे पेशेंट्स थे और हमने किसी पेशेंट को वापस नहीं किया। बीइंग वर्किंग इन अ हॉस्पिटल वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मेरे घर पे बच्चे हैं 2 कि मामा आप जब भी आओ गेट खोल कर रखते थे, सेपरेटली जाओ, पहले नहाओ फिर आओ, तो घर पे एंट्रेंस ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अलग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए। और हॉस्पिटल में हर एक जो भी पेशेंट आ रहा है उसको स्क्रीन करना, उसमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव हो सकता था, तो दैट वाज अगेन क्वेश्चन मार्क था कि वो पॉजिटिव है या नहीं। बट सबसे डील करना, सबसे बात करना, सबको स्क्रीन करना हमारी ड्यूटी थी, वो हमने अच्छे से की। मैं कोविड आईसीयू में जॉब करती हूँ, जिसके दौरान मुझे कोविड हुआ। मैं 11 डेज में रिकवर होके दोबारा से यहाँ के मतलब कोविड हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारे पेशेंटों को हमारी ज़रूरत थी, नीड थी। कोरोना की आफत ने सबकी परीक्षा ली, लेकिन जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्होंने हमें धरती के इन्हीं भगवानों के हाथों बचा लिया। इन महिला डॉक्टरों और नर्सेस को सलाम। ABP News आपको रखे आगे।